Good morning students, I hope you all are well and enjoying mathematics comfortably. We continue surface area of revolution. Yesterday you have seen the 3D effect, how to find the surface area of revolution. Today we discuss one more question on it. Find the surface area of solid of revolution of ellipse about major axis. Yesterday we found the surface area of a sphere by rotating the half part semicircle about x-axis. Today find the surface area of solid of revolution of ellipse about major axis. You remember this is the standard equation of ellipse. Is this one? Now this part is rotated. This yellow part. You remember this is x equals to a, and here it is x equals to minus. As usual, as in circle. You remember it. This step, whatever it is, this is the y coordinate of this, here it is x equals to 0. So we will use this part and we double this one. So this yellow arc from minus a to plus a, when it is rotated, then the surface is ऑप्टेंट. आप कल्पना कीजिए कि वो सरफेस क्या बनेगा और किस तरह से बनेगा वो. आप अपना आंसर अपने दिमाग में रखिए. मैं भी आपको 3D में पहले लेके जाता हूं और दिखाता हूं कि क्या बनता है. आप अपना आंसर इस वीडियो क्लिप से मैच कीजिए, उसके बाद हम इसका मैथमेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे. Let us visualize the 3D view of surface revolution. ये जो दिख रहा है आपको रेड लाइन जो है ये x एक्सिस है, ग्रीन वाली y एक्सिस, और जो ब्लू वर्टिकल लाइन है वो z एक्सिस है. ये कंप्लीट इसका व्यू है. ये जो ग्रे कलर का प्लेन दिख रहा है वो एक्स वाई प्लेन है. ये जो आर्क है ये एलिप्स की अपर पार्ट की आर्क है और ये कंप्लीट एलिप्स है. ये वाली जो आर्क है अपर पार्ट या लोअर पार्ट, दोनों में से कोई एक लेना है. और इस अपर पार्ट वाली जो आर्क है इसको मेजर एक्सिस, जो यहां एलिप्स की एक्स एक्सिस है, इसको रिवॉल्व करते हैं, इसकी परिक्रमा करवाते हैं 360 डिग्रीज. इसको किस तरह से जो शेप बनता है ये देखिए आप, इसको विजुलाइज कीजिए किस तरह से आर्क जो है वो इसकी मेजर एक्सिस के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, उसको रोटेट कर रही है. द मेजर आर्क इज रोटेटेड अबाउट एक्स एक्सिस and the shape is formed and it looks like a watermelon. एक तरबूज की तरह आपको दिखाई देगा. और इस तरबूज का जो पृष्ठ है, जो इसका सरफेस है, जो इसकी स्किन है ग्रीन कलर का, उसका एरिया कैलकुलेट करना है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है. देखिए नाम को इसके अंदर फिट कर लेता हूँ. अब आप देखिए ये इसका कंप्लीट 3D व्यू है, देख सकते हो. यहां पर ये मैंने इलिप्स जो लिया है, इसकी मेजर एक्सिस जो है वो -4 to +4 है,
स्टैंडर्ड इक्वेशन यदि मैं लेता हूं तो x इक्वल्स माइनस ए टू प्लस ए होगा। तो ये जो इसका व्यू है मेजर एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो इलिप्स की आर्क है उसका जब रोटेशन होगा तो इस तरह का ये शेप बनेगा। ये ग्रीन कलर का बिल्कुल तरबूज की तरह दिख रहा है आपको। हमें इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। नाउ लेट अस कंसीडर द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ दिस वन। सो द आंसर इज तरबूज, वाटरमेलन, जो ग्रीन स्किन है उस ग्रीन स्किन का सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। या कोई लकड़ी का या लोहे का इस तरह से आकार हो उस पर यदि पेंट किया जाए, रंग किया जाए, कलर किया जाए तो कलर कितना लगेगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप देखिए उसको। या कोई आयरन शीट है, लोहे की जो शीट है, चद्दर जो है वो इसमें कितनी लगेगी, उसका एरिया कैलकुलेट करना है। वो आपने देखा किस तरह से बनता है। ये मैथमेटिकल पार्ट आपके सामने है और ये बहुत इजी है, केवल आपको इसमें इंटीग्रेशन आना चाहिए। सो आई राइट इट, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, केवल इस वाले पार्ट को लिया इसलिए डबल करूंगा मैं, कंप्लीट आ जाए। इट इज टू टाइम्स एक्स वन टू एक्स टू टू पाई बाय डी एस, एक्स वन जीरो एक्स टू ए, सो इट इज एक्स वन जीरो टू ए, सो दिस इज फोर पाई जीरो टू ए बाय डी एस बाय डी एक्स। Now we calculate this one. So let us see. Suppose this is number one. Now you must be very strong in differentiation and integration. We have x square upon a square plus y square upon b square equals to 1 on differentiating with respect to x. That is 2x upon a square plus 2y upon b square dy by dx equals to 0 implies dy by dx equals to minus b square upon a square into x upon. Therefore, now dx by dx is under root of 1 plus dy by dx whole square. So it is under root of 1 plus b to the power 4, a to the power 4, x square upon y square. It will be this. Under root of right here. So this is under root of a to the power 4 y square plus b to the power 4 x square upon a to the power 4 y square. It is under root of a to the power 4 y square plus b to the power 4 x square divided by a square. So we substitute this value in equation number 1. Therefore, from first, surface area, this is 4 from 0 to a, y ds by dx, that is under root of a to the power 4 y square plus b to the power 4 x square upon a square y dx. So this and this cancelled out. We found this 4 pi
अपॉन ए स्क्वायर जीरो टू ए अंडर रूट ऑफ ए पावर फोर वाई स्क्वायर प्लस बी पावर फोर एक्स स्क्वायर डी एक्स. इट इज लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग. Now we simplify this. The integration is with respect to x, so we have to eliminate y. Look at this. This is b square x square plus a square y square equals to a square b square. So a square y square is a square b square minus b square x square. So let us substitute that again. That is 4 pi upon a square 0 to a under root of a square into a square y square is a square b square minus b square x square, okay, plus b to the power 4 x square dx, 4 pi upon a square. Here it is b square, so I take b square common. Then here it is b square, so it is out, so it is b. Then it is 0 to a under root of, this is a square into a square minus x square. Because b square is taken out, becomes b. B square is taken out, so it is b square x square plus x square dx. Integration is little bit time consuming. For ellipse, if you remember, b square is a square times 1 minus a square, and a is the eccentricity of ellipse. A जो है वो ellipse दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता है और वो 0 और 1 के बीच में होती है. कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए. So this is 4 pi upon b 0 to a square minus x square plus b square means a square into 1 minus b square into x square with complete root sign, and here it is dx. 4 pi b upon a square. Now this a square is common, we answer. So a is outside, so this a. 0 to a square minus x square plus 1, so it is x square minus e square x square dx with root sign. Okay, so it is 4 pi b upon a 0 to a. This and this cancel out. So it is under root of a square minus e square x square dx. Now it is reduced into a standard integral. I hope you remember the formula. Even then I write it. Integration of root a square minus x square dx is 1 by 2x under root of a square minus x square plus a square by 2 sine inverse x upon a plus c d to indefinite integral. So we will use this formula. Before this I write 4 pi b upon a. Take a square out, so it is e. 0 to a under root of a by b whole square minus x square dx. A square is taken out. Now we apply this formula. So here it is, a square means this is a by b. This is 4 pi e b upon a. Integration 1 by 2x under root of
a by e whole square minus s square plus a square by 2. A means a by e whole square by 2. Remember, instead of a, it is a by e. Sine inverse x upon a by e. Limit 0 to a. 4 pi e b upon a. Now the lower limit and upper limit. So here upper limit is a. So here it is 1 by 2 x means it is a under root of a square minus a square plus this is a square upon 2 a square sine inverse x is a, so it is sine inverse. Okay, because when we write a here, then a and a cancel out, here it will be e. This is the answer of upper limit minus lower limit. X 0, so it will be completely 0. Here x is 0, so it is completely 0. So we found this. Four pi e b upon a. Now this is 1 by 2 a. This is under root a square is LCM, so it is a square minus a square upon e square, so it is e plus a square upon 2 e square sine inverse. Now it is 4 pi EB upon A into 1 by 2. Here it is 1 by 2. It is 1 by 2. Now A square is common, so it becomes A. So it is A square. And E. I take it out. So this part is common. So what is left? Under root of 1 minus E square plus sine inverse E upon E. Yes. Almost it is finished. Just write the answer. Equals. So this 2 and 4 is cancelled out, and here it is a and e and b. So what is left? 2 pi ab. 2 pi ab into under root of 1 minus e square plus sine inverse e upon. Recall this. So this is the area of the solids which is formed by rotating the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equals to 1. जो तरबूज है उस तरबूज का ही क्षेत्रफल है, उसके सरफेस का जो ग्रीन स्किन है उसका ये पाई ए बी एरिया को ध्यान हो तो इलिप्स का क्षेत्रफल होता है. दिस इज द एरिया ऑफ द इलिप्स. इट इज टू टाइम्स एरिया ऑफ द इलिप्स मल्टीप्लाइड बाय दिस, देन दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ इलिप्स अबाउट इट्स मेजर एक्सिस. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. Thank you very much.